आप सबकी सोच गहरी भी है और दूरगामी। महिलाओं को आगे बढ़ाकर ही समानता और समरसता पर आधारित समाज का निर्माण संभव है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता के लिए इस देश में एक महामानव पैदा हुआ जिसने वंचित वर्गों और महिलाओं के लिए आजीवन संघर्ष किया और वो थे संविधान के प्रमुख शिल्पी बाबा साहब अम्बेडकर। संयोग से आज उनका परिनिर्वाण दिवस हुआ। आज प्रातः मैंने यहां आने से पूर्व दिल्ली में संसद भवन के परिसर में जाकर कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से डॉक्टर अम्बेडकर को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। हम सब लोग शायद इस बात से अवगत हुए कि बाबा साहब ने महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के पक्ष में केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया था। वे महिलाओं के सशक्तिकरण को सदैव प्राथमिकता देते थे। हम सब लोग मानते हैं कि शिक्षा सशक्तिकरण का आधार होता है। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि जब तक राष्ट्र की जननी स्वरूप हमारी स्त्रियां ज्ञानवान नहीं होती और उन्हें स्वतंत्रता नहीं मिलती तथा उनसे संबंधित कानूनों, रिवाजों और पुरानी पीढ़ियों में अनुकूल परिवर्तन नहीं किए जाते तब तक राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। आज हम सब देखते हैं कि आज भी हमारे देश में महिलाओं की साक्षरता दर काफी कम है, लेकिन यह प्रसन्नता की बात है कि बालिकाओं की शिक्षा को सुविधाजनक बनाया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कन्या भ्रूणहत्या तथा बाल विवाह को रोकने, स्कूलों में बेटियों की संख्या बढ़ाने, शिक्षा के अधिकार के नियमों को लागू करने और बेटियों के लिए स्कूलों में शौचालयों का निर्माण करने से छात्राओं को सहायता देना, यह एक सामाजिक सत्य भी है कि जब आप एक बालक को शिक्षित बनाते हैं तो उसका लाभ केवल एक परिवार को, लेकिन जब आप एक बालिका को शिक्षित बनाते हैं तो उसका लाभ दो परिवार को होता है, एक उसका अपना परिवार और एक यहां पर वो विवाह के पश्चात जाने का। एक बात को और आपने देखा होगा कि शिक्षित महिला के बच्चे कभी अशिक्षित नहीं, कभी भी अशिक्षित नहीं रहते। शिक्षित महिला अपनी अगली पीढ़ी का बेहतर निर्माण करते हैं। बहनों और भाइयों, नारी विकास केंद्र की योजनाओं के कारण चाइल्ड सेक्स रेशियो में भी सुधार हो रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि सुधार के लिए हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। मुझे बताया गया है कि हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में चाइल्ड सेक्स रेशियो में लगभग 35 पॉइंट्स का सुधार हुआ है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में बहुत उल्लेखनीय है कि 1000 बेटों पर 1003 बेटियां पैदा होना एक बहुत सुंदर सामाजिक। आप लोग अधिक समझते होंगे, बांसवाड़ा एक ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है। समाज के समग्र विकास के लिए महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण भी जरूरी है। इस दिशा में जन धन योजना कारगर साबित हुई है जिसमें खोले गए करोड़ों खातों में से 52% खाते महिलाओं के नाम पर। उद्यमिता